हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यम चुंबन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानने वाले हैं जहाँ मिलिट्री फोर्स ही नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ दुनिया के 5 ब्लू जोन में से एक यहाँ स्थित है। यह ब्लू जोन ऐसी जगह है जहाँ रहने वाले लोग कम से कम 90 साल तो जीते ही है। और दोस्तों, इस देश की प्राकृतिक सुंदरता की तो क्या ही बात है। आज हम कोस्टा रिका के बारे में जानने वाले हैं। आज हम कोस्टा रिका के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपको हैरत में डाल देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कोस्टा रिका का सफर। कोस्टा रिका यह देश नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। यह नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस देश की सीमा नॉर्थ में निकारागुआ से और साउथ ईस्ट में पनामा से लगती है और इसके एक तरफ कैरेबियन सी है तो दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन। दोस्तों, कोस्टा रिका के पास कई सारे आइलैंड्स भी हैं। इस देश की राजधानी सैन जोस है। कोस्टा रिका का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका है। दोस्तों, कोस्टा रिका का मतलब होता है रिच कोस्ट। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। कोस्टा रिका की करेंसी को कोस्टा रिकन कोलन कहते हैं। यहाँ की आबादी लगभग 50 लाख है। कोस्टा रिका में 80% लोग शहरी क्षेत्र में स्थित है तो 20% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 80 साल है। यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है जो कि इसके आसपास के देशों की तुलना में अधिक है। खेल की बात करें तो फुटबॉल को काफी लोकप्रियता प्राप्त है इस देश में। कोस्टा रिका में लगभग 79% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। यहाँ के नागरिकों को कोस्टा रिकन कहते हैं और कई बार यहाँ के निवासी पुरुषों को टीकोस और औरतों को टिकास कहते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट यूनिटरी मल्टीपार्टी रिपब्लिक विथ वन लेजिस्लेटिव हाउस है, जहाँ एक प्रेसिडेंट और दो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इनको 15 सितंबर 1821 को स्पेन से आजादी मिली थी। स्पेन के अधीन होने के कारण यहाँ के बहुत से लोग स्पेनिश एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं। पूरे सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका में स्पेनिश डिसेंट के लोग ज्यादा हैं। यूरोपियन एथनिसिटी के लोगों के बाद यहाँ मेस्टिजोस की आबादी अधिक है। यहाँ के मूल निवासियों की संख्या 1% से भी कम है। कोस्टा रिका के बारे में बताएं तो यह देश खूबसूरत समुद्र किनारे, ताड़ के पेड़ों की कतार, वन्य जीवन से भरपूर है। यह देश ना ही बहुत अमीर है ना ही बहुत गरीब। दोस्तों, इस देश की करेंसी इस देश की तरह ही कलरफुल है। इस देश में निकोया नामक जगह है जहाँ के लोग कम से कम 90 साल तक तो जीते ही है, क्योंकि यह लोग प्रकृति की गोद में जो बसे हैं। यहाँ का पानी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच है और यह लोग 8 घंटे की नींद के साथ बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाना भी खाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह है दोस्तों जिन्हें ब्लू जोन के नाम से घोषित किया गया है। दोस्तों, यह देश अपने पड़ोसी सेंट्रल अमेरिकी देशों में से काफी स्टेबल और डेमोक्रेटिक देश माना जाता है। यह देश दुनिया के कुछ सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक है। दोस्तों, लेकिन इस देश में 5 एक्टिव वॉल्केनो भी है जो कभी भी फट सकते हैं। यहाँ कोस्टा रिका में लगभग 25% जमीन फॉरेस्ट के लिए रिजर्व की गई है। यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सा हिस्सा लगभग 95% से 95% तक रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। यहाँ के सभी कैथोलिक चर्चेस का फेस पश्चिम की तरफ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है केले का, इक्वाडोर के बाद। इस देश के पास अपनी स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स नहीं है 1948 से। अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसे और कौन से देश है जिनके पास अपनी आर्मी नहीं है तो ऊपर दिए गए आई टैब पर क्लिक करें। दोस्तों, इन्होंने यह निर्णय लंबे चले सिविल वॉर के चलते लिया था, परंतु यहाँ पुलिस और स्पेशल कमांडोज के फोर्स मौजूद है। इन्होंने अपने आर्मी पे खर्च होने वाला हिस्सा अपने हेल्थ केयर नेटवर्क और एजुकेशन पर लगाया है। टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की लीडिंग इंडस्ट्री में से एक है। यहाँ आपको घूमने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ का बहिया बेलेना बीच का आकार वेल मछली के पूछ की तरह है। यहाँ दुनिया की 5% बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसी छिपकली पाई जाती है जो पानी पर चल सकती है। इसे जीसस क्राइस्ट लिजर्ड इस नाम से भी जाना जाता है। यह हमिंगबर्ड के 52 से भी अधिक स्पीसीज है। दोस्तों, अगर आपको टर्टल के अंडे देखने हैं तो आप ओशनल नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में जा सकते हैं अप्रैल से दिसंबर में। दोस्तों, यह का पॉपुलर ब्रेकफास्ट गैला पिंटो है।
कोस्टा रिका के लोगों को खुश रहने की आदत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक वर्ड है प्यूरा विडा, जिसका मतलब है प्योर लाइफ, और इसे देश का नेशनल सिंबल माना जाता है। कोस्टा रिका देश को होम ऑफ स्लोथ कहा जाता है, और यहाँ 1400 अलग अलग प्रकार के ऑर्किड्स पाए जाते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सजेशन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।